आदिशक्ति माता नवदुर्गा की साधना आराधना व उपासना के महापर्व के आखिरी दिवस नवरात्रि की महानवमी पर बरवाह से 3 किलोमीटर दूर चोरल नदी किनारे जैतगढ़ पहाड़ पर विराजित पांडवों की कुलदेवी मां जयंती के दरबार में प्रातः आरती के लिए सुबह 4 बजे से सैकड़ों भक्तों की कतार लग गई। गर्भगृह व हाल के खच भरे होने से कतार में खड़े सैकड़ों भक्तों ने माता रानी की महाआरती की। विंध्याचल पर्वत की प्राकृतिक सुरम्य हसीन वादियों में चोरल नदी के किनारे जैतगढ़ पहाड़ पर गुफा में माता जयंती का अति प्राचीन मंदिर है। स्वर्णिम प्रकट होने वाली माता जयंती को पांडवों की कुलदेवी कहा जाता है। दिन में 3 स्वरूपों में दर्शन देने वाली माता का स्वरूप सुबह बाल रूप, दोपहर में युवा रूप, संध्या के समय प्रौढ़ वृद्ध स्वरूप में होता है। माता मंदिर से करीब ही चमत्कारी भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर भी मां जयंती के प्रकट होने के समय का है। निमाड़ मालवा के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों से माता के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता के दरबार में आस्था से मांगी गई हर मुरादे पूरी होती है। यह मंदिर पांडवकालीन है और ऊपर जैतगढ़ का किला, इसलिए इसको जयंती माता कहा जाता है। जैतगढ़ वाली माता माँ जयंती के दरबार में आज माँ जयंती का 9वां दिन नवरात्र की मंगलमय कामना है। आज माँ दुर्गा के मंदिर पर जयंती माता के अंदर हजारों भक्तों ने सुबह से प्रातः 4 बजे से आकर आरती का आनंद लिया। साथ ही खिचड़ी प्रसादी और माता का प्रसाद जो प्रतिदिन बढ़ता है वो रोज बढ़ता। और कहते हैं कि माँ 3 स्वरूपों में दिखती है, बाल स्वरूप, युवा स्वरूप और वृद्धा स्वरूप। तीनों रूप माँ के जयंती के सभी भक्त देख चुके हैं। 9 दिन तक 9 रूप में माँ विराजी और आने जाने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। बरवाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।